स्वामी विवेकानंद की जयंती अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता महानगर अध्यक्ष सत्यात मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो हरिओम नगर तिराहे से दौड़कर डीएम आवास से होते हुए छात्र संघ चौराहे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर सम्पन्न हुई। प्रथम विजेता टीम को 11,000, द्वितीय पुरस्कार 5,100, तृतीय पुरस्कार 2,100 का नगद पुरस्कार दिया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने हरिओम नगर तिराहे पर स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा भाजपा का झंडा दिखाकर यंग इंडिया रन का प्रारंभ किया। जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं का नेतृत्व मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन आदर्श है। स्वामी जी का शिकागो में दिया गया भाषण भारत की सांस्कृतिक एकता को विश्व पटल पर उतारना आज के युवा का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन से समाज के हर वर्ग के बीच में समरसता का भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का संन्यास उनके जीवन में ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रभावित होकर युवाओं के लिए नित नए विकास कार्यों को जमीन पर उतार रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह, सांसद प्रतिनिधि सुभाष यदुवंश, महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, ब्रजेश मणि मिश्र, प्रेमनाथ शुक्ला, अजय राय, सूरज राय, हर्ष श्रीवास्तव, रजत गुप्ता, विशाल पांडे, मीडिया प्रभारी राहुल साहनी, अभिनव एबट, आकाश श्रीवास्तव, मनीष शैन, राहुल चौबे, राणा, राहुल गिरी, विकास गुप्ता, आलोक आनंद, संचु यादव, अमित नारायण, शशांक द्विवेदी, प्रदीप निषाद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, भारत माता की, भारत माता की। अरे कोच साहब आगे आने तो दीजिए, पीछे होइए। अरे हाथ, अरे हाथ, अरे कोच साहब, कोच साहब पीछे 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 महानगर के जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग नीचे खड़े हो जाएं। महानगर के जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग सामने नीचे, जो चीफ गेस्ट हैं और अभिभावक गार्जियन गोरखपुर के माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आगे आगे आगे।
आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। विवेकानंद जी को केवल युवा संन्यासी के रूप में ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा के रूप में हम सभी लोग जानते हैं और भारत जानता है। विवेकानंद जी ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास विदेश में भी जाकर के कराने का काम किया था कि भारत के आध्यात्मिक शक्ति में भगवान का को प्राप्त करना केवल मूर्ति की पूजा नहीं है बल्कि भगवान को प्राप्त करने का मतलब साक्षात्कार है। और उन्होंने जा करके यह बताने का काम किया था कि विदेश में आप सभी लोग केवल और केवल अपने तक सीमित रहते हो और भारत असीमित है जो सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव अगर किसी ने दिया तो वह भारत ने दिया है। भारत को देश का के भूमि के रूप में नहीं बल्कि माता के रूप में विवेकानंद जी ने दर्शन कराने का काम विदेश में भी किया था और ये कहा था कि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक एक कण में वहाँ भगवान रहते हैं, इस नाते भारत माता है। और उसी विवेकानंद को आज हम सब लोग जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे थे, जो दबे कुचले लोगों के लिए कार्य कर रहे थे, जो बीमार लोगों के लिए कार्य कर रहे थे, उसी में अपने भगवान को ढूंढने का काम कर रहे थे, आज उनकी जयंती में सम्मिलित होकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने क्या कार्यक्रम रखा था जिसमें हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी है, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता भी है और पुरुषार्थ और सत्यार्थ ये जो युवा मोर्चा के क्षेत्रीय और महानगर के अध्यक्ष हैं इनके नेतृत्व में लोगों ने दौड़ भी किया और उस दौड़ में लोगों को पुरस्कार भी वितरित किया। संदेश यही है कि विवेकानंद जी ने जो संदेश भारत के संदर्भ में बताया था आज सभी लोगों को त्याग तपस्या और बलिदान ढूंढना चाहिए, तब ही सब कुछ नहीं होता है बल्कि सेवा सब कुछ होता है। अहंकार को मारने की बात किया आता है, सेवा और सेवा को लेकर के चले, अहंकार को समाप्त करके चले। निश्चित रूप से भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समय जो कार्य करने का संकल्प लिया है कि आज प्रधानमंत्री को लोग एक शांति दूत के रूप में भी पूरा विश्व मान रहा है, आज प्रधानमंत्री को एक विकास करने वाला प्रधानमंत्री के रूप में भी मान रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग दबे कुचले भूखे लोगों को अन्न देने के भी बात कर रहा है, आज प्रधानमंत्री को सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये लेकर के चलने की बात जो आई है वह कहीं न कहीं से जो विवेकानंद जी ने दिया था हम उसको आज अपने प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं।